विद्या भारती द्वारा ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। कक्षा 9वीं विषय गणित अध्याय 7। मैं अपने पहले त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता के बारे में अध्ययन किया। फिर 7.1 प्रणाली के कुछ प्रश्नों का अभ्यास किया। उसके बाद में हमने 7.2 एकल अपन में 2 प्रश्नों का अभ्यास किया। आज हम अगले प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। प्रश्न नंबर 3 में आपको दिया है ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसके ए बी और सी ये समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर ऊंचाई ए सी और ए बी ये दोनों बराबर बराबर ऊंचाई पर बी ई व सी एफ शेष लंब खींचे गए हैं तो सिद्ध कीजिए कि शेष लंब बराबर है। ऐसा आपको प्रश्न में तो ध्यान रखने की बात यह है अब हमको ए सी और ए बी के बराबर है ये लंब है तो ये शेष लंब हमें ये देखिए कि कौन से त्रिभुजों में आ रहा है। एक तो त्रिभुज लेने ए बी और ई एक त्रिभुज लेने पर ए सी और एफ। इसमें अपन को ध्यान में देखेंगे तो तीन चीज एक तो अपन को इसमें ये त्रिभुज जो आ गया उसमें एक लंब डिग्री का कोण मिल गया ए बी ओ के बीच कोण भी मिल रहा है और ए बी ए की लंब तीन चीज अपन को पड़ी बात तो अपने तीनों का अब नियम देखिए एक भुजा है तो भुजा के ऊपरी कोण कौन बने रहते हैं अर्थात एक कोण अलग है भुजा अलग है तो अपना ए ए एस के बीच से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे सर्वांग सम। जब त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे तो सिर्फ किसी भी त्रिभुज के शेष लंब भी होते हैं। इस प्रकार हम ये देख सकते हैं त्रिभुज ए बी ई व त्रिभुज ए सी एफ ये दोनों त्रिभुजों में अपना तुलना दोनों त्रिभुजों से मैं तो नंबर एक त्रिभुज ए बी ई में ये वाला कोण कितना लंब है और ए ई बी बराबर कोण ए एफ सी और ए एफ सी बराबर है यह हमको दिया है। अब ये लंब लंब बराबर में हम लोग कहेंगे कितना कोण है और ए बराबर कोण ये उभय निष्ठ कोण है जो मैं तो बोल रहा है उभय निष्ठ कोण दिया था आपको और एक दिया है आपको ए बी बराबर ए सी ये आपको दिया है इस समद्विबाहु त्रिभुज। तो हमने यहाँ देखा हमारे पास दो तो कोण है ये भुजा है तो यहाँ का गया था ए ई एस ए नियम एक त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के संगत दो कोण और एक भुजा परस्पर समान हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। त्रिभुज आ जाएगा ए बी सर्वांग सम त्रिभुज ए सी ये दोनों करें तो त्रिभुज सर्वांग सम बन गया। अब जब त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो हमारे पास सी पी सी डी का दो त्रिभुज सर्वांग सम हो तो उनके प्रत्येक अवयव समान होते हैं। इस प्रकार अपन ज्ञात कर सकते हैं कि बी ई बराबर सी है। प्रश्न बहुत छोटे या सरल होते हैं ध्यान रखने की चीज है अब हमको कौन सा नियम लगाना है। सो नियम लगा करके पहले त्रिभुजों को सर्वांग सम से कर लेंगे तो शेष चीज बराबर हो जाती है। तो ये हमारे प्रश्न नंबर 3 का हल बिल्कुल चौथा प्रश्न बिल्कुल यही है। इसमें विपरीत दे दिया हमको खाली चौथे प्रश्न में ये दिया है कि ऐसा कैसा ये और ये किए इसमें शीर्ष लंब बराबर दिए हैं तो सिद्ध करना है कि समद्विबाहु त्रिभुज है अर्थात ए बी बराबर ए सी ये हमको सिद्ध करके देना है। और एक चीज देनी है आगे दोनों त्रिभुज भी सर्वांग सम होते हैं। इसमें हमको सर्वांग सम दिया गया हमने कर लिया और इसमें अपन सर्वांग सम भी करेंगे। बात वो की वही है बिल्कुल सेम प्रश्न को जैसा का तैसा हल तो हमको चौथे प्रश्न में दिया है त्रिभुज ए बी सी एक त्रिभुज है ये त्रिभुज दिया है नाम हमको समीकरण में दिया है इसमें ए सी में ए बी पर खींचे गए शीर्ष लंब बी की और सी एफ बराबर है इसमें शीर्ष लंब बराबर बराबर होती है तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज ए बी की सर्वा
ये करिए नियम बन गया है हमारे पास कोई दो तो कौन हो गए और ए बी के बीच का हो गए देखो सर्वनाम सब हो जाएंगे तो क्या होगा बराबर तो इसमें भी अपन दो का पहले करेंगे त्रिभुज ए बी व त्रिभुज ए सी एक्स बी सबसे पहले कोई कौन ए ई बी बराबर कौन ए एफ सी बराबर नाम है ये आपको दिया है प्रश्न को दिया रखा है ए दिया रखा है कौन ए बराबर कौन ए ये दिया रखा है तो है कौन दिया है दिया है वो बी ई बराबर सी और एस ये आपको तो सिंपल बराबर वो ये हमारे पास नियम एस ए नियम ए बी सी सर्वांग समूह ए बी सी इस प्रकार का पहला प्रश्न इसका हो दूसरा ये सिद्ध करना है ए बी बराबर ए सी जब हम दूसरे प्रश्न को हल करते हैं तो हमारे पास आया ए बी सी सर्वांग समूह मिनट वाह आ गया तो ऊपर मैसेज आवे तो मिनट चलती हुई थी तीनों हो जाती है हमारे पास हो जाएगा एस 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 टी
फिर हम करते हैं यहाँ दो तीन सवाल बना गए तो हमारे पास सीपी के नियम से सीपी का नियम बताया दो तीन सवाल समाप्त होकर प्रत्येक समाप्त होते हैं और ए बी बी बराबर कौन ए सी इस प्रकार आपसे ध्यान देने की चीज है इसमें अपन को ये बीच का कौन लाने के लिए कोई रचना करके पहले कुछ केंद्र को मिलानी होगी दो त्रिभुज बड़ा कर दिया गया एक तो त्रिभुज लेके चलेंगे अपन ए बी और डी और एक त्रिभुज लेके चलेंगे ए सी और ये दो त्रिभुज होंगे इस प्रकार अलग अलग लेंगे तो हमारे पास ये त्रिभुज का एक पूरा बीच का कौन इस त्रिभुज का ये पूरा बीच का तब जा करके हमको आराम से ये भुजा भी भुजा में बराबर होगी ये तो हमको दिया है प्राप्त हो जाएगा जब त्रिभुज सर्वांशम हो जाएंगे तो उनके निर्धारित संगत कोण क्या होते हैं बराबर तो इनके ये संगत कोण ये कौन इसका तो पूरा इसका ये तीन कोण ये होंगे ये तीनों कोण भी बराबर बराबर वो तो ज्ञात ये कर रहे हैं कोण ए बी डी बराबर कोण ए सी इस प्रकार आप इन प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं।